प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 39 बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपके साहसिक कार्यों से मुझे भी प्रेरणा मिलती है। बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ही इन राष्ट्रीय पुरस्कारों का दायरा बढ़ाया गया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार निशाने पर ले रहा है। इस बीच योग गुरु रामदेव ने शुक्रवार को बयान दिया है कि सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करना चाहिए। योग गुरु रामदेव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साल 2020 के लिए अपने एजेंडे को सामने रखा है। योगगुरु रामदेव ने देश में जारी कई प्रदर्शनों के मसले पर अपनी बात रखी है। योगगुरु ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे लगाए जाते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। ये देश हर किसी का है। तीन दिवसीय यूपी दिवस का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने लखनऊ से ही 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसी के साथ लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुई। यूपी दिवस का सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया गया। इस मौके पर रामचरितमानस, आल्हा गायन, लोक नृत्य सहित कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। 26 जनवरी को 3 बजे से समापन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। यूपी दिवस पर आयोजित समारोह के 3 दिनों में जहां लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की झलक दिखाएंगी, वहीं राज्य सरकार की ओर से एमएआई और एक जिला एक उत्पाद योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले उद्यमियों और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। समारोह के दूसरे दिन 25 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 26 जनवरी को प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक और लोक कला के कार्यक्रम में भी प्रस्तुति लेंगे। वही मुंबई में भी यूपी दिवस मनाया गया। समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने की। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यूपी दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। यूपी में आज बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक सीए के मुद्दे पर सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए जाएंगे। सीएए के विरोध में यूपी में हो रहे प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सभी को अपनी बात रखने का हक है। अपनी बात मनवाने के लिए अराजकता फैलाने वाले भ्रम में ना रहे। सरकार के पास हर समस्या का समाधान है। जिसने भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाई है उससे वसूली होकर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अजीबोगरीब बयान दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे घर में काम कर रहे मजदूरों के पोहा खाने के स्टाइल से मैं समझ गया कि वो बांग्लादेशी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीए को पाठ्यक्रम में शामिल करने को गलत बताया है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि सीए पर बहस आदि तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी रहने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इस अति विवादित और विभाजनकारी नागरिकता कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना पूरी तरह से गलत है। बीएसपी इसका सख्त विरोध करती है तथा यूपी में सत्ता में आने पर इसे अवश्य वापस लेगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे संग्राम के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और एसएमआईएम पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन तीनों पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। अलीगढ़ सीजेएम कोर्ट ने शिकायत स्वीकार कर ली है और सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट से छेड़छाड़ को लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किए गए ट्वीट में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
रामपुर में सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले में शहर में उनके परिवार के खिलाफ मुनादी हो चुकी है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजी 6 के यहाँ ये मुकदमा चल रहा है। वाराणसी से पकड़े गए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट राशिद ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। एजेंट राशिद ने इस बात को कबूला है कि उसने पाकिस्तान से दो बार प्रशिक्षण लिया था। राशिद अहमद ने बताया कि आईएसआई भारतीयों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाती है और फिर खुफिया जानकारी हासिल करती है। उसने बताया कि खुफिया सूचना के लिए मोटी रकम भी दी जाती है। राशिद से पूछताछ के दौरान 40 से ज्यादा ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में थे। इस ग्रुप में खुद राशिद और राशिद का मौसेरा भाई सहावेज भी जुड़ा हुआ था। जासूसी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल होता था। फिलहाल खुफिया दस्ते के अधिकारी और अन्य अधिकारी राशिद से पूछताछ में जुटे हुए हैं। 39 साल पहले हुए बेमई नरसंहार मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। इसमें कोर्ट मूल केस डायरी के लिए सत्र लिपिक को दिए नोटिस पर जानकारी लेगी और उसी आधार पर मामले में आगे कार्रवाई बढ़ेगी। 14 फरवरी 1981 को सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेमई गांव में दस्यू सुंदरी फुलन देवी ने अपने साथियों और लल्लू गैंग में शामिल 35 से 36 लोगों के साथ ग्रामीणों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियां चलाई थी। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नगर निगम द्वारा टैक्स लेने के बावजूद लोगों को समुचित सुविधाएं और लाभ न देने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। ये भी कहा है कि आम लोगों को सड़क मरम्मत, सफाई और अतिक्रमण से निजात दिलाई जाए। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है। फिरोजाबाद में एसआईटी जांच रिपोर्ट आने पर बीएसए ने 30 शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। सभी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर का भी आदेश दिया गया। शिक्षकों पर फर्जी डिग्री से नौकरी लेने का आरोप लगा है। इन शिक्षकों की 2004 और 5 की बीएड की जो डिग्री है वो फर्जी निकली है। अब तक फिरोजाबाद में 84 शिक्षक को बर्खास्त किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक में उत्तराखंड को तोहफा मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है उत्तराखंड को ये बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए हेल्थ बजट में बढ़ोतरी की है। सालाना 510 की जगह 590 करोड़ का एनएचएम बजट मंजूर किया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर इंडो नेपाल भारत सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। एसपी ने खुद इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगे थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त और सघन चेकिंग की है। इस दौरान क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रमुख बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। इसके अलावा एसएसबी कस्टम आईबी सीपीओ और वन विभाग के प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर सतर्कता बनाए रखने वाले संबंधित को निर्देश भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थानों को भी सतर्कता बरतते हुए अपने अपने थाना क्षेत्र रात दिन सघन दृष्टि करते हुए वाहन चेकिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में सीए को लेकर भड़काऊ पोस्टर सामने आया है। सीए को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर मदनी चौक पर भड़काऊ पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में सीएए एनआरसी और एनपीआर को भयानक कानून बताया गया है, जिसके बाद पुलिस ने भड़काऊ पोस्टर उतरवा दिए। हिंसा के आरोपियों के फोटो के ऊपर ये पोस्टर लगाया गया था। कानपुर की जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की छात्रा को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता की खबर सामने आई है। छात्रा के लापता होने की खबर से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। छात्रा का नाम अमृता सिंह है जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पैरा 2 लास्ट ईयर की छात्रा है। जानकारी के मुताबिक छात्रा की स्कूटी गंगा बैराज के किनारे मिली थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बरेली के श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरे में आग लग गई और एक छात्रा की मौत भी हो गई। हॉस्टल में तड़के करीब 3-4 बजे अचानक लगी आग की जानकारी तब मिली जब कमरे से धुआं निकलने लगा। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है, लेकिन हादसे में बिहार जिला पटना निवासी सुकृति प्रति संजय कुमार की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी थी।
कानपुर के सचेती थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पकड़े गए दोनों बदमाश 25,000 रुपए के इनामी हैं। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल उर्फ शेरा और नारायण उर्फ लाला दोनों बदमाशों पर कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। कन्नौज में एक महिला ने अस्पताल के गेट के पास ही बच्ची को जन्म दिया है। मामला यहां के जिला अस्पताल के महिला विंग का है। देर रात प्रसव पीड़ा से परेशान होने के बाद बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पीड़िता ने फर्श पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए तीन वाहनों को सीज कर दिया गया है। दरअसल तहसीलदार उमेश सिंह की वो अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात में छापेमारी की गई और इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध खनन करते हुए एक पोकलेंट मशीन और दो डंपर को पकड़ा गया है। अब देश में गड़बड़ झालों पर मोदी सरकार का चाबुक चलना शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर में बहुचर्चित पॉलीप्लेक्स कंपनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग काशीपुर ने टीडीएस में गड़बड़ी की आशंका के चलते टीडीएस का सर्वे करवाया। सर्वे के दौरान खामियां सामने आने पर अधिकारियों ने कागजातों पर कब्जे में ले लिया है और कंपनी को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। कानपुर के बिटूर थाना इलाके में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। मृतक ने एक वीडियो बनाकर अपनी मौत का जिम्मेदार गहलोत हॉस्पिटल की डॉक्टर को बताया है। जानकारी के मुताबिक मृतक वीरेंद्र की पत्नी की डिलीवरी के दौरान इस हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, जिसके बाद वीरेंद्र ने डॉक्टर रेणु सिंह पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वीरेंद्र ने अपनी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को ही ठहराया है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्नाव में कोचिंग जा रही किशोरी पर शोहरदे ने हमला कर दुष्कर्म का प्रयास किया। दरअसल किशोरी साइकिल से कोचिंग जा रही थी, इसी दौरान शोहरदे ने किशोरी का पीछा किया और उसे साइकिल से गिराकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन साथ ही छात्रा ने किशोरी को बचा लिया। आरोपी के पास एक धारदार चाकू भी था, जिसके बल पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। वहीं मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जौनपुर में महिलाओं ने एक शिक्षक की लात घूसों से जमकर धुनाई की है। शिक्षक पर दो छात्राओं के साथ छेड़खानी करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सूचना पर गांव की महिलाएं स्कूल पहुंची और शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पाकर खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना को सही पाया और शिक्षक को निलंबित कर दिया। आगरा के अतमादपुर में बीच हाईवे पर अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक विवेक अग्रवाल अपनी कार से फिरोजाबाद से आगरा जा रहे थे, तभी अचानक छलेसर के पास अचानक कार में आग लग गई। इससे पहले की कार चालक कुछ समझ पाते कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कानपुर की जूही थाना क्षेत्र के को ब्लॉक में दो मंजिलों मकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। काशीपुर में निजी स्कूल की एक बस बच्चों को लेकर स्कूल जाते समय तालाब में पलट गई। पास के ग्रामीणों की मदद से बच्चों को तालाब से निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मुरादाबाद में देर रात लोको पुल पर सड़क हादसा होने से हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन हादसे के बाद पुल से नीचे खाई में जा गिरे। स्थानीय लोगों के सहयोग से मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और चार घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। हादसे में घायल तीन लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का विरोध लगातार जारी है। ग्रामीण रेलवे विभाग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वही मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रभावितों लोगों को समर्थन दिया। दरअसल रेलवे परियोजना प्रभावित लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन श्रीनगर का नाम बदलकर रानीहाट मैथाना रखा जाए और प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार दिया जाए और अगर उनकी मांगे 30 जनवरी तक नहीं मानी जाए तो वो लोग रेलवे के परियोजना का कार्य बाधित करेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कॉलेज प्रशासन ने देहरादून करने वाले लोगों की याद में फोटो गैलरी बनवाई है। इस फोटो गैलरी को बनवाने का उद्देश्य लोगों को देहदान के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहन करना है, जिससे आम लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में आकर देहदान कर सके। इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की भी पढ़ाई में मदद मिलेगी। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने किया। इस दौरान उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा में टॉप करने वाली 307 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित भी किया गया। कुशीनगर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। एनसीसी के कैंडिडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी। इसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और बुद्ध महाविद्यालय परिवार के शिक्षकों ने अपने कुलाधिपति का स्वागत किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रचार ने स्वागत मोमेंटो आनंदीबेन पटेल को दिया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुद्ध पीजी कॉलेज के कला वाणिज्य और विज्ञान वर्ग टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल भी दिया। इस मौके पर अनूठी पहल करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को मन से सम्मानित किया। मौनी अमावस्या पर सीएम योगी ने ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि लोक आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या को सभी देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। व्रत दान का ये शुभ अवसर सभी के लिए मंगलमय हो। सूर्य भगवान की स्वर्णिम किरणें सभी के जीवन को शांति सुख समृद्धि से प्रकाशित करे, ऐसी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों बस अड्डों से लेकर संगम जाने वाली हर सड़क पर लोगों का तांता लगा हुआ है। कन्नौज का लाल महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गया। शहीद हरि ओम छिबरामऊ क्षेत्र के विष्णुगढ़ के करडा गांव के निवासी थे। हरि ओम के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। नमाखों से सभी ने शहीद हरि ओम को श्रद्धांजलि दी। नौसेना में तैनात हरि ओम अंडमान निकोबार में जहाज हादसे में शहीद हो गए थे। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ हरि ओम को अंतिम विदाई दी गई। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। घातक कोरोना वायरस ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है और करीब 800 से अधिक लोग इसकी चपेट में है। कोरोना वायरस की भयावह को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है और बातचीत के लिए उपयुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाने में मदद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया है। तिमाही नतीजों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की चाल सुस्ती दिखाई दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सक्सेस 9.36 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 41,000 पर खुला और निफ्टी 5.8 अंक नीचे 12,000 पर खुला है। पिछले दो हफ्ते से पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को महानगरों में पेट्रोल 22 पैसा और डीजल 35 पैसा प्रति लीटर सस्ता हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 22 पैसा घटाकर 74.43 रुपए और डीजल 25 पैसा घटाकर 67.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मैच करीब 12:30 बजे से खेला जाएगा, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर भारत के हौसले बुलंद है, तो वहीं न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरा है। मां बनने के बाद टेनिस कोच पर लौटी सानिया मिर्जा को पहले ग्रैंड स्लैम के शुरुआती दौर से ही बाहर होना पड़ा है। चोट के कारण उन्हें महिला युगल के पहले दौर का मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। सानिया और यूक्रेन की नादिया किचेनोक ने पिछले हफ्ते ही होबार्ट इंटरनेशनल का युगल खिताब जीता था। अभ्यास के दौरान सानिया के दाहिने पैर में चोट लगी है। खेलो इंडिया युवा खेलों का तीसरा सत्र गुवाहाटी में रंगारंग समारोह के साथ संपन्न हो गया। महाराष्ट्र की टीम इन खेलों की चैंपियन बनी, जिसमें 78 स्वर्ण पदक सहित 256 पदक जीते। इस 13 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान महाराष्ट्र ने अपनी लगातार दूसरी खेलो इंडिया युवा खेल ट्रॉफी जीती है। कंगना रनौत की फिल्म पंगा रिलीज हो गई है। जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसने धमाल मचा दिया था। दर्शकों से भी इस फिल्म के ट्रेलर को ढेर सारा प्यार मिला था। निर्देशक अश्वनी अय्यर तिवारी की पंगा में कंगना रनौत कबड्डी की नेशनल प्लेयर की भूमिका निभाती नजर आई है। कंगना के अलावा इसमें जस्सी गिल और ऋचा चड्ढा मुख्य किरदार में है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यूथ इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी हैं।